रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग रामलिंगम और राजलक्ष्मी नहीं है, ध्रुव और धानी है। दिया है। प्रॉपर्टी वापस अंकल जी के पास है। वकील साहब, कितना काम बाकी है? बस काशीनाथ जी के फिंगरप्रिंट्स बचे हैं। तो फिर लो। कोई थंबनेल नहीं लगेगा। आज इस काम को कोई नहीं रोकेगा, प्लीज। रॉकी, बस बहुत हो गया। नहीं, छोड़िए हमें। छोड़िए हमें। जल्दी पापा, जल्दी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई ध्रुव जी। अभी आपको फिक्र की कोई बात नहीं है, सारी प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम हो गई है। लॉयर साहब, आप ये पेपर्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्द से जल्द जमा करवाइए। फटाफट यहाँ से निकलिए, पर संभल कर। बहुत बढ़िया पांडे परिवार, बहुत बढ़िया। तुम लोगों से हमें यही उम्मीद थी, तुम लोगों ने सिर्फ धोखा देना सीखा है। जब पैदा हुए तब भी तुम लोगों ने हमें धोखा ही दिया था, और आज आज भी हम जब अपने हक का मांगने आए तो तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। रॉकी,
तेरा हक हमने खुद तुझे ला कर दिया था, और तूने क्या किया? हमारा ही परिवार हमसे छीनना चाहा। वो भी किसकी बातों में आकर रॉकी? इनके? अरे इन्हें तो अपने खुद के माता पिता की कोई परवाह नहीं है। ये किसकी सगी नहीं हो सकती रॉकी। अब तो जाग जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है, हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही है रॉकी। बस आंखों पे पट्टी बांध कर चलने से यही होता है, खुद के बिछाए हुए जाल में इंसान फंस जाता है। तूने पूरी कोशिश की हमारा परिवार हमसे अलग करने की, लेकिन आज आज तू अकेला खड़ा है, और हम आज भी अपने परिवार के साथ हैं। हमारे यहाँ कहावत है, बुजुर्गों का कहा और आमला का खाया, कि बाद में पता चलता है। तुझे बाद में जब ये पथ भ्रष्ट जो चश्मा है ये उतरेगा, तब तुझे पता चलेगा कि ध्रुव बचवा का बोल रहा है। इसे कहते हैं परवरिश। राखी को तो हम दोष नहीं दे सकता, लेकिन तेरा समझ में नहीं आया। दोनों एक साथ बड़ा हुआ, एक जैसा प्यार मिला, एक जैसा परवरिश हुआ। अरे कहां से सड़ा हुआ चीकू निकल गया? क्या कह सकता, परवरिश भारी पड़ गया खून पर। फिलहाल आप और आप इस घर से बाहर जाएगा। अगर आप में जरा सी भी शर्म और खुददारी बची है तो यहां से चली जाइए, और दोबारा अगर हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आज सिर्फ हाथ पैर बांध कर बिठाया था। अगर पूरा परिवार मिलकर एकजुट हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। आप लोग चिंता मत करिए, आज के बाद हम आप सबको कुछ नहीं होने देंगे। कौन से मंदिर में माथा रगड़ने गई थी रूपा जी, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसकी तपस्या जो है आज कामयाब हो गई। जब उसे पता चलेगा कि उसका परिवार जो है फिर से खुशियां वापस आ गई, तो बहुत खुश होगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। चलिए रूपा जी से बात करते हैं और बांट के आज खुशियां मनाते हैं। लो माँ भी आ गई। ये तो रूपा जी का फोन है, तेरे पास कैसा आया? आशीष माँ का। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ नहीं कर पाए। पर हुआ क्या है? तुम तीनों घर के बाहर थे, इसका मतलब ये हुआ कि भोलेनाथ ने हमारी मन्नत स्वीकार कर ली, हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारे ध्रुव और दानी ने तुम लोगों को हरा दिया। रॉकी भैया, हमें तो लगा कि हमारी बाजी खत्म हो गई, लेकिन खेल अभी भी हमारे हाथ में ही है।
भैया हम इन्हें साथ लेके जाते हैं और इनके बदले में अपना सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। रॉकी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कर क्या रही हो तुम? रॉकी चिंता मत करो, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इनके जरिए सौदा करेंगे। रॉकी सृष्टि बिल्कुल सही बोल रही है, अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं। अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें माँ को किडनैप तो करना पड़ेगा। चलो माँ। माँ ये क्या कर रहे हो तुम? जिद मत करो माँ, बैठो। हम नहीं जाएंगे। हेलो ध्रुव पांडे, अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारी माँ हमारे पास है, उनकी सलामती चाहते हो तो प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स लेके हमारे बताए हुए जगह पे आ जाओ। ध्रुव हमें छोड़िए, कहाँ लेके जा रहे हो? माँ 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 हमारी बात सुनिए। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं सुन सकते। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया दी। सुन थानी, हमें धमकाने की जगह आखिरी बार अपने पति को देख ले, क्योंकि यहाँ से वो वापस नहीं लौटेंगे। और हाँ अंकल जी, आपको आपकी परवरिश पे बहुत गर्व है ना? पढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी तो देखें आपके परवरिश का नतीजा। क्या ध्रुव पांडे अपनी माँ को बचाने के लिए तैयार होगा? उस माँ को जिसने उसे जन्म भी नहीं दिया और अपने सगे बेटे के लिए उसे एक पल में पराया कर दिया। 2 घंटे, आप सबके पास सिर्फ 2 घंटे। अगर ध्रुव पांडे यहाँ पे नहीं आया तो हम आंटी जी को मार देंगे। मार देंगे। अकेले नहीं जा सकते। धनी हमारी बात सुनने की कोशिश कर। नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। सुननी होगी हमारी बात। सुना नहीं फोन पे क्या कह रही थी वो, कि हम अकेले आए? तो प्लीज जिद मत करो धनी। जिद मत करो? जिद नहीं कर रहे ध्रुव जी, आपको बेवकूफी करने से रोक रहे हैं हम। अगर उन्होंने फोन पे आपको अकेले आने कहा है, इसका मतलब वो कुछ आपके साथ गलत करना चाहती है। आपकी जान खतरे में हो सकती है ध्रुव जी, हम आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दें? किसी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? आप अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते बस। और माँ उनका क्या, उनकी जिंदगी दांव पे लगा दें हम? जी हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं कि आप वहाँ अकेले मत जाइए, पुलिस को साथ में लेकर जाइए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, माँ को भी छुड़ा लेंगे और उन लोगों को उनके किए की सजा भी मिलेगी। आने क्यों बच्चों जैसी बात ही कर रही हो तुम? अगर उन्हें पुलिस का जरा सा भी अंदाजा हो गया, उन्हें भनक लग गई कि पुलिस साथ में है हमारे, तो वो माँ को छोड़ेंगे नहीं। ध्रुव जी वो लोग पुलिस है। काहे लड़ रहे हो आप तुम? हम झगड़ा नहीं कर रहे पापा, आपकी लाडली झगड़ा कर रही है, कह रही है कि हम माँ को बचाने नहीं जाए। तो क्या गलत कह रहे हैं पापा? पापा आप इन्हें समझाइए ना, अगर अकेले जाएंगे तो उनके जान को खतरा है। ठीक कह रही है, इसका डर वाजिब है। देखा पापा का भी यही मानना है, मान जाइए ना ध्रुव जी। आप दोनों यही चाहते हैं कि हम माँ को बचाने नहीं जाएं, छोड़ दें उनको वहीं पर, बचाने नहीं जाएं उन्हें। नहीं नहीं हमने ऐसा तो नहीं कहा, बट ये भी सही कह रहा है। पापा एक बात बताइए हमें, अगर हम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है तो फिर किसकी बात मानी जाए? वैसे एक तीसरा रास्ता भी है,
तानी प्लीज, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, प्लीज। एक मिनट बजवा, हर एक की सुननी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलता। एक मिनट सुन लो, आप बताइए, आप बताइए बच्चा, बताइए बताइए। धानी, तुम जानती हो ना इसमें कितना खतरा है। भरोसा कीजिए हम पर, कुछ नहीं होगा। हमें तो भरोसा है। जी वकील साहब, कागज आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। आज तो सारा काम खत्म ही कर देंगे। ठीक, छोड़ो हमें, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ। ओ बड़े भैया, इन्हें ऐसे बांध के रखना जरूरी है क्या? देख रॉकी, अगर माँ यहां से बाहर निकल गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर जायदाद जो कुछ मिलने वाला है सब कुछ हाथ से चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। अरे इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भूल गए क्या? पर प्यार तो उस ध्रुव से करती है ना, हमारे हिस्से में तो सिर्फ नाइंसाफी आई थी, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? अभिषेक, तुम जिस लायक थे वही हमने तुम्हारे साथ किया है। आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें अपनी कोख से जन्म ही क्यों दिया। छोड़ दो हमें, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। रॉकी, हमारे साथ चलो। रॉकी, रॉकी रुक जाओ, नहीं। अभिषेक, अभिषेक हमने कहा हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहां से। सृष्टि, एक माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर हम अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? रॉकी, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाँ, हम तुम्हारी बात समझते हैं, हम आंटी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस एक बार वो ध्रुव पांडे आ जाए फिर हम उन्हें भी छोड़ देंगे। बस एक बार सब कुछ हमारे नाम हो जाए, हम तो बस ध्रुव पांडे को सबक सिखाना चाहते हैं। सब कुछ मिलने के बाद ध्रुव से कौन सा बदला लेना चाहती हो तुम? हमारा मतलब है कि जब वो आ जाएंगे ना और सारे पेपर्स हमारे नाम हो जाएंगे फिर हम सबको छोड़ देंगे। मौकी, हमारा विश्वास करो। जो मांगा था वो ले आया। सारी जायदाद तुम तीनों में बराबर की बढ़ चुकी है और उसके कागज इस बैग में हैं। बैग पहले मां को लेकर आओ। ले आई। छोड़ो अभिषेक, हमने कहा छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। ध्रुव, नहीं।
फेंको। नहीं नहीं ध्रुव, ध्रुव ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव छोड़ो हमें। रॉकी इन्हें पकड़। छोड़ो रॉकी। आज जो हमारी ये हालत है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो आज हम अपने सारे दुख का कारण ही खत्म कर देते हैं। रॉकी और भैया आप आंटी जी को लेके जाइए। नहीं, हमें ध्रुव से बात करनी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम हमारे बेटे ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुना, छोड़ दो हमें। आंटी जी, हम आपको जाने का मौका दे रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। प्लीज जाइए। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना तूने? नहीं, हम माँ को इन दोनों के साथ नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं आना। इस लड़के को ऐसा सबक सिखाओ कि सपने में भी हमें धोखा देने के बारे में सोचे तक नहीं।